विराट कोहली और रोहित शर्मा सामने आई है ये बड़ी खबर, जिससे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच अक्सर विवाद की खबरें आती रहती हैं। भारतीय क्रिकेट के ये दो मजबूत स्तंभ समय समय पर एक दूसरे के सामने खड़े हो ही जाते हैं। ताजा मामला साउथ अफ्रीका दौरे को लेकर है। इस अहम दौरे पर लगभग ऐसा तय माना जा रहा है कि ये दोनों सीनियर खिलाड़ी एक साथ नहीं खेलेंगे। चोट के कारण रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि विराट कोहली ने वनडे सीरीज से नाम वापस ले लिया है। इन दोनों को लेकर तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसी अफवाह है कि ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते हैं। इतना लगभग तय है कि ये दोनों खिलाड़ी साउथ अफ्रीकी दौरे पर साथ में नहीं खेलेंगे। अब भले ही जानबूझकर हो या अनजाने में, हालांकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कभी भी खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया में समय समय में इनके टकराव की खबरें आती रहती हैं। हाल ही में विराट कोहली को वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया गया था और उनके स्थान पर रोहित को टीम की कमान दी गई थी। अब रोहित दो फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान हैं और विराट एक ही फॉर्मेट के। विराट कोहली साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज मिस करने जा रहे हैं क्योंकि वह अपनी बेटी वामिका का पहला जन्मदिन मनाने के लिए समय निकालना चाहते हैं। वामिका का जन्म पिछले साल 11 जनवरी को हुआ था और कोहली अपने परिवार के साथ छुट्टी की योजना बना रहे हैं, इसलिए वह सिर्फ टेस्ट सीरीज में खेलते नजर आएंगे। पिछले साल जब वामिका का जन्म हुआ था तब कोहली ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में पहले टेस्ट के बाद अवकाश पर चले गए थे, जिसके बाद अजिंक्य रहाणे ने टीम इंडिया का नेतृत्व किया था। टेस्ट उपकप्तान रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाएंगे। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वे सीरीज के तीनों टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। सोमवार को मुंबई में टीम के अभ्यास सत्र के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। चोट के बाद वे ठीक से बल्लेबाजी भी नहीं कर पाए थे। पूरे अभ्यास सत्र के दौरान उन्हें दर्द से कराहते देखा गया था। शाम होते होते खबरें आ गई कि वे इस अहम दौरे पर टीम के साथ नहीं जा पाएंगे। उनके स्थान पर गुजरात के प्रियांक पांचाल को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने उम्मीद जताई है कि रोहित वनडे सीरीज तक स्वस्थ हो जाएंगे। भारत को 26 दिसंबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ना है। पहला मैच सेंचुरियन में होगा। टेस्ट सीरीज के बाद 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।